एपेटाइट रहती है उसकी। अच्छा, जोमैटो वाकई स्ट्रीट डिवाइडेड थी इस स्टॉक को लेकर राजेश सर, मेरे ख्याल से जितने बुल्स थे उतने ही बेयरिश भी थे इस स्टॉक को लेकर, इसके प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर। तो इसकी लिस्टिंग ने सबको सरप्राइज करा है। क्या ये उनमें से है जो इवेंचुअली एक न्यू एज कंपनी, बढ़िया मल्टीबैगर होपफुली आगे बनेगी, इतना रिस्क न्यू पोर्टफोलियो में और इन लेवल्स 130 के आसपास रख लूं जोमैटो लंबी अवधि के लिए, या छोड़ दिया जाए? देखिए आशीष जी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आकांक्षा जी के साथ बात करते हुए कहा था ना कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आजकल बैलेंस शीट पढ़ के निवेश कर रहे हैं, तो अगर मैं बैलेंस शीट पढ़ूँ जोमेटो की तो सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि बेच दो, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं। 1 लाख की मार्केट कैप इन्होंने क्रॉस कर ली, सिर्फ 45 से 50 कंपनियां हैं भारतवर्ष में जिन्होंने 1 लाख की मार्केट कैप के ऊपर का मार्केट कैप ले रखा है, और कुछ कंपनियां तो बहुत पुरानी हैं, और इसने लिस्टिंग डे में एक्वायर किया, बहुत ही काबिले तारीफ चीज़ है। एक नया कॉन्सेप्ट स्टॉक है, मैं ये नहीं कहता कि ये ख़राब है, बट एक नया कॉन्सेप्ट स्टॉक है जो अगर हिट हो जाता है और ऐसे चलने लगता है तो मुझे लगता है कि ये डबल भी हो सकता है, बट रिस्की भी है क्योंकि चूंकि नया कॉन्सेप्ट स्टॉक है, बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग है नहीं। तो इस वक्त मैं नई खरीदारी की सलाह इनको नहीं दूंगा। अगर ये स्टॉक 120-122 रुपए के लेवल्स तक आता है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, वहाँ पर भले खरीदारी कर लें, बट वहाँ भी आप अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना लगाएं। मान लीजिए आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसका 5 से 7% ही आप इसमें लगाएं, क्योंकि एक न्यू एज स्टॉक है, होने को ये 10 गुना भी हो जाए, हो सकता है कि आज से 20 साल बाद हम लोग स्टॉक व्हाट्सअप पढ़ रहे हो कि अगर आपने एक शेयर इसका खरीदा होता तो आप आज करोड़पति होते, हो सकता है, आई डोंट नो, बट करने की ये एक जगह न्यू आपने स्टॉक है, जोमेटो उसे के होने स्टॉक ले लिए होते तो आज आप करोड़पति होते, ऐसा कुछ चल भी सकता है, हो सकता है आज से 20 साल डाउन द लाइन, है ना? उस दिन बिरयानी नहीं खाई होती 20 साल पहले तो पता आपने नहीं एक कितना पैसा माने बचा। आपने तो एक ये प्लेट एनीवर्टी बिरयानी कैसे के और एक जाएगा प्लेट बिरयानी के हेड देते और जोमेटो ले लिया, हाँ तो वही का? ठीक बात है, तो ये थोड़ा सा रिस्की बेट है, नो वन नोज कैसा होगा आगे का ट्रैक्शन, कैसे ये प्रॉफिटेबल होते हैं, कब प्रॉफिटेबल होते हैं, कैसे बाजार आगे वैल्यू करता है, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो देखते हैं जोमेटो कैसे होगा। तो आपको अपना रिस्की बेट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो 5 से 7% ज्यादा का एक्सपोजर नहीं देना।